हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है। आज का मेरा यही टॉपिक है, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ लिखे हो, 1/2 लिखे हो, ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन है ना। यदि आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो मेरे टॉपिक वीडियो को प्लेलिस्ट में दिया, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, फ्रैक्शंस का करके नाम करके प्ले फ्रैक्शंस मैथ करके प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें फ्रैक्शन टॉपिक है। अब इसको हमको करना है क्या, डेसिमल पॉइंट, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल मतलब कि में लिखना है, कन्वर्ट डेसिमल में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला उदाहरण लेते हैं, इसको लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो दो से जो डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए न्यूमिनेटर में, तो 9 शून्य लग रहा है तो शून्य बैठाइए, पॉइंट बैठा दीजिएगा। उसके बाद 5 मरतबे लग रहा है यानी 10, यानी इसका डेसिमल पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है उदाहरण नंबर 6, 6/25। तो इसको भी डिवाइड करिएगा, तो 25 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए 6 में, नए लग रहा तो पॉइंट बैठाइए। तो देखिए, 1 × 25 = 50, 2 मरतबे लगा 50, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3, 25 × 50, 2 मरतबे ने लगाए थे, सुनना बच गया। आप सीधे पॉइंट ऑलरेडी दे चुके थे, तो इसीलिए 25 × 100, 4 मरतबे लगा रहे हैं तो पूर्ण रूप से कट रहा है, यानी इसका डेसिमल पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.24। तो ये हुआ डेसिमल पॉइंट। सी में उदाहरण लिए थे 7/20, इसको हमको क्या लिखना है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर यहाँ छोटा डिनोमिनेटर से। तो इसको करने के लिए 20 को 7 से 20 को से, ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइसर हुआ, ये क्या कोशेंट हुआ, यहाँ रिमाइंडर हुआ, तो इससे डिवाइड करते हैं तो 9 लग रहा है 1, तो इसके लिए 0 बैठाएं तो बीतिया 60 60, माइनस किए तो यहाँ पर से 0 उतारें, 1 0 और उतार लिए तो 20 × 25 = 100, यानी 0.35 इसका डेसिमल फॉर्म में लिख लिए। अगला जो उदाहरण दिए थे वह था, अगला क्या था कि 100, उदाहरण यहाँ पर देखिए लिखे हैं, आपको नहीं पता तो लिख देख लीजिए, 115/40, ये क्या है, न्यूमरेटर यहाँ क्या है, बड़ा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जब बड़ा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 40 से डिवाइड करिए 115 में, तो देखिए 40 × 120 से 2 मरतबे नहीं लग रहा है, यानी 2 मरतबे लग रहा है, यानी 40 × 80, 5 8 8 3 11, 35 बचा, भाग नहीं लग रहा है तो पॉइंट डालिए, फिर कितना उठा रहे हैं, सुनो उतारे हैं, तो अगला कितना मरतबे लगा, 8 मरतबे, यानी 8 × 34, सुनना, फिर 3 उठा रहे हैं, तो अगला क्या लगा, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो 7 मरतबे लगा दें तो 7 × 4 = 28, फिर सुनना, फिर उतार सकते हैं, सुनना ऑलरेडी पॉइंट दे चुके हैं 5 मरतबे, तो कितना हो जाएगा, 2.85। तो हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलने के लिए डिवीजन मेथड से हम इसको क्या करें, फ्रैक्शंस को डेसिमल में बनाएं। तो कौन सा मेथड से, तो डिवीजन मेथड से फ्रैक्शंस को डेसिमल में बनाएं। तो समझ गए कि ये फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल में किस तरह बनाएं। तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाएं। तो ठीक, इसके लिए भी बस उसी तरीका,